हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर। अब लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने मेनिस्काई के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनिस्काई की बेसिक एनाटॉमी, अटैचमेंट, ब्लड सप्लाई और टीयर के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद मेनिस्काई रिपेयर भी पढ़ा। अब आज जो है हम नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, पार्शियल मेनिस्टेक्टॉमी। अगर वो सारे वीडियो अभी तक आपने ना देखे हो तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन आएगा उससे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल मेनिस्टेक्टॉमी जो है ये सर्जरी कब करते हैं, तो इंडिकेशंस फॉर सर्जरी। सबसे पहला है कि अगर पर्सन में जो भी मेनिस्काई टीयर हुआ है वो डिस्प्लेस्ड है या फिर लॉकिंग एंड पेन प्रेजेंट है, पर्सन जो है वो ओल्डर है, इंडिविजुअल जो है वो इनएक्टिव है, फिजिकली ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे जो है पार्शियल मेनिस्टेक्टॉमी करना पड़ेगा। सो सिम्टोमैटिक पेन और लॉकिंग डिस्प्लेस्ड टीयर ऑफ द मेनिस्कस सस्टेन बाय एन ओल्डर इनएक्टिव इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद पेन एंड लॉकिंग ऑफ नी। अब सेकेंड कंडीशन है कि अगर ये जो है मेनिस्काई टीयर जो है अवास्कुलर पोर्शन पे है, सेंट्रल थर्ड जो होता है वहाँ पे है, और ये जो है आर्थ्रोस्कोपिकली विजुअलाइज किया गया है और उसमें ऐसा है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो उसमें भी पार्शियल मेनिस्टेक्टॉमी करना पड़ेगा। अब टीयर एक्सटेंडिंग इनटू सेंट्रल लेस वास्कुलर थर्ड ऑफ द मेनिस्कस इफ नॉट डिटरमाइंड रिपेयरेबल व्हेन आर्थ्रोस्कोपिकली विजुअलाइज्ड। अब जो है हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। अभी पार्शियल मेनिस्टेक्टॉमी का प्रोसीजर, सबसे पहले ये जो प्रोसीजर है इसमें पर्सन को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। सो आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्टेक्टॉमी टिपिकली इज परफॉर्म्ड ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस अंडर लोकल एनेस्थीसिया। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंसीजन देते हैं, तीन इंसीजन देते हैं और उसमें से एक में से जो है सेलाइन सॉल्यूशन डाला जाता है ताकि जो नी कैप्सूल या नी जो है वो एक्सटेंड हो। स्मॉल इंसीजन आर मेड एट द नी फॉर पोर्टल यूजुअली 3 एंड सेलाइन सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड थ्रू वन ऑफ द पोर्टल डिस्टेंडिंग द नी। अब उसके बाद जॉइंट एग्जामिन किया जाता है और जो टोन पोर्शन होता है मेनिस्काई का तो उसे जो है सबसे पहले ग्रास्प किया जाता है, नाइफ और इंसीजर के थ्रू उसे कट करके अलग किया जाता है पूरी तरह से, फिर वैक्यूम के थ्रू उसे रिमूव किया जाता है। द टोन पोर्शन ऑफ द मेनिस्काई इज आइडेंटिफाइड ग्रास्प एंड डिवाइड एंडोस्कोपिकली बाय द नाइफ एंड सीजर एंड रिमूव बाय द वैक्यूम। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर डेब्रिस और जो लूज बॉडी होती है उनको भी रिमूव किया जाता है। After that, the knee is irrigated and drained and skin incision is at portal sites are closed and compression dressing is applied to the knee. उसके बाद जो है बाद में incision close किए जाते हैं और knee पे जो है compression dressing लगाई जाती है। तो ये जो थे ये procedure था partial meniscectomy का। अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो like and share ज़रूर करें और मेरे channel को subscribe करें। Thank you.